प्रख्यात समाजवादी चिंतक व पूर्व राज्यपाल धनिकलाल मंडल के निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। पूर्व राज्यपाल धनिकलाल मंडल को श्रद्धांजलि देने के लिए आज मिर्चाईबाड़ी स्थित कांग्रेस नेता सुनील कुमार यादव के आवास पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस शोक सभा का नेतृत्व कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप विश्वास कर रहे थे। इस शोक सभा में बड़ी संख्या में कांग्रेस से जुड़े नेता, कार्यकर्ता एवं बुद्धिजीवी मौजूद थे। सभी लोगों ने पूर्व राज्यपाल धनिकलाल मंडल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। धनिकलाल मंडल पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, पूर्व राज्यपाल, बिहार हरिजन सेवा संघ एवं लोहिया कर्पूरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ सोशल चेंज के अध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं। आज स्वर्गीय धनिकलाल जी के स्वर्गवास के अवसर पर हम लोग आज सभी कांग्रेस जन यहाँ पे एकत्रित होकर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जैसा कि आप सबों को जानकारी होगा कि ये जाति और धर्म से ऊपर उठकर समाजवाद के बहुत ही एक धरोहर व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ऊंचाई हासिल की और विभिन्न पदों पर रहने के बावजूद भी कटिहार के सरजमीन से हमेशा अपना लगाव रखा। इन्हीं वजह से आज हम सभी कटिहारवासी आज चाहते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और उन्होंने हमें जो एक आपसी भाईचारे का और समाजवाद का जो सबक दे के गया है उस पर हम लोग अमल करें। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ में अपनी हम लोग एक ऐसे दिवंगत आत्मा के शोक में आज हम लोग तमाम कांग्रेस परिवार जमा हुए हैं। ये सामाजिक न्याय के बहुत मजबूत स्तंभ थे और ये अपने जीवन काल में भारत के साथ साथ राजनीतिक ये बिहार के भी एक बहुत मजबूत स्तंभ थे। ये हमेशा दलित, पिछड़े, गरीब के लिए आवाज़ बनकर के उभरे। आज हम लोगों के बीच नहीं है, उनके आत्मा को भगवान ईश्वर शांति दे, इसलिए हम लोग तमाम लोग आज इकट्ठा होकर करके उनके लिए मौन दो मिनट का रख करके आज हम लोग उनके आत्मा का शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कल 13 तारीख को 6 बजे शाम में हरियाणा के पूर्व राज्यपाल और भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और विभिन्न विभागों के मंत्री माननीय धनिकलाल मंडल जी का कर स्वर्गवास हो गया। आज उनका पार्थिव शरीर जो हम लोगों को जानकारी मिली है कि पटना लाया गया है, तो उनका लगाव कटिहार से भी काफ़ी था, काफ़ी आना जाना था। उन्होंने एक नारा दिया था, जाति तोड़ो जमात को जोड़ो, और उस दिशा में कई कार्यक्रम वो लगातार क्षेत्र के विभिन्न सुदूर गांव में जा के करते थे और ख़ास करके दबे कुचले शोषितों के हित में सब दिन उन्होंने आवाज़ बुलंद किया। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, इसका काफ़ी दुख है, और उसी के इथि में आज हम लोग एक शोक सभा कांग्रेस परिवार की तरफ से आज हम लोग यहाँ कर रहे हैं। दौर बदल जाते हैं मगर आपकी पहचान नहीं। जैसे सर्वकॉन पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की, भारत के नंबर 1 टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के। सर्वकॉन रखे सब कंट्रोल में।